आज साइफर के ऊपर पहले खान साहब ने जो कहा है वो बता देते हैं कि जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं जज साहब ने वो ये थे कि एक कागज का टुकड़ा इन्होंने गुमा दिया और क्योंकि वो एक कागज का टुकड़ा गुम गया है इसलिए इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है। एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स फॉरेन मिनिस्टर ने कि अब उनको 10-10 साल की सजा दे दी है। अब उसकी तशरीह कर देती हूँ। तशरीह उसकी ये है कि आइंदा कभी कोई प्राइम मिनिस्टर जुर्रत ना करे कि अपने लोगों के लिए खड़ा हो सके या अपनी कौम के लिए खड़ा हो सके या अपनी कौम को जवाब दे हो। इस चीज़ पे एहतियात करें, कोई प्राइम मिनिस्टर इसके बाद खड़ा ना हो सके। और इमरान खान इस वक्त इसलिए जेल में बैठे हुए हैं ताकि अपनी कौम को ये बताएं कि आज मैं इसलिए खड़ा हूँ ताकि आप लोग खड़े हो सको। और लोगों से भी ये कहा है कि आप वोट करें 8 तारीख को, अपने जो अपने कैंडिडेट्स हैं अपने नुमाइंदे चुनें और ये इंश्योर करें कि पूरे जो गुलाम रखना चाहते हैं आपको उनको आप ये बता सकें कि हमने आइंदा के लिए भी अपने नुमाइंदे खुद चुनने हैं। और ये जो पैगाम था उसके ऊपर बात ना करो। पैगाम ये था, अब मैं सोच रही हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर को किस लिए 10 साल की सजा मिली, उन्होंने तो कागज नहीं घुमाया था। उनको इस चीज़ की सजा मिल रही है कि उनकी जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जाकर वो बता दिया जो उनके लिए पैगाम था ही नहीं। वो पैगाम तो डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा के लिए दिया था। अगर फॉरेन मिनिस्टर ने अपना हक अदा किया क्योंकि वो भी इलेक्टेड आए थे, उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर को बताया और प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोगों को आगाह कर दिया। और ये इनकी सजा जो है आज 10 साल की जो दोनों को मिली है वो इस चीज़ की मिली है, अपने लोगों के साथ उन्होंने अपना हक अदा किया, जिन्होंने इनको इलेक्ट किया था उनके साथ इन्होंने अपनी वफा की है। एक और चीज़ जो इमरान खान ने आज खास स्ट्रेस करके भेजा है कि आप जाके लोगों को बता दें, उन तक लॉयर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है और उन्होंने कहा है कि बाकी पार्टीज को भी बता दें कि नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं जहाँ से रिजल्ट्स आने हैं और उनका इरादा ये है कि जब रिजल्ट्स आ रहे होंगे ये उनको तब्दील करेंगे। और इसलिए वो खास हदायत कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल में पार्टी के लोग भी करेंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें भी कहकर भेजा है तो इसलिए मैं भी रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि ये खास हदायत की है जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो आरओ से रिजल्ट लिए बगैर बिल्कुल ना वहाँ से हिलें, क्योंकि जो रिजल्ट्स आ रहे होंगे टीवी पे इन्होंने हैक करके बदलने, इनकी क्या कहते हैं डेस्परेशन या इतने ये इस वक्त परेशान है कि इन्होंने सोचा है कि वो क्या कहते हैं टीम भी निकाल दी है उन्होंने फील्ड से, एक ही अकेली टीम खेल रही है, फिर भी डरे हुए हैं क्योंकि उनको लोगों का पता नहीं है कि ये जो कौम है ये क्या फैसला करेगी, इनके खिलाफ कितना बुरा फैसला करेगी। इन्होंने ये सोचा है कि कंप्यूटर्स हैक कर चुके हैं और उसी में अपने रिजल्ट तब्दील करके और उसकी अनाउंसमेंट भी करवा देंगे। तो ये दो चीज़ें थी और ये हमने आपको पैगाम दे दिया।